अच्छा जी, आज हम जिस डाइट के हवाले से बात करने वाले हैं उसके हवाले से बहुत सारी बातें हैं, कुछ मिसकंसेप्शंस हैं, कुछ आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने की ज़रूरत है। कीटोजेनिक डाइट की हम बात कर रहे हैं, जिसे हम कीटो डाइट भी कहते हैं। बेसिकली क्या है, इसके क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, ये हम जानेंगे अपनी न्यूट्रिशनिस्ट उमे फरवा से। जी उमे फरवा, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं एक बहुत जो एक ऐसी डाइट पर बात करने जा रही हूँ विच इज़ ट्रेंडिंग दीज डेज, और बहुत ज़्यादा लोगों में रुझान बढ़ता जा रहा है उस डाइट की तरफ। इट्स अ वेरी कॉमन डाइट, आप सबने सुना होगा कीटोजेनिक डाइट। कीटोजेनिक डाइट इज़ बेसिकली एक ऐसी डाइट है जिसके अंदर हम पेशेंट को हाई फैट देते हैं, प्रोटीन कम अमाउंट में होता है और कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो बिल्कुल 5% होते हैं, यानी नशास्ता वाली चीज़ें। ये एक इतनी अनहेल्दी डाइट है जो कि बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है, और दिस इज़ वेरी डिसअपॉइंटिंग कि बहुत सारे जो लोग हैं वो इसको आजकल प्रमोट कर रहे हैं। कीटोजेनिक डाइट ओरिजिनली तो बेसिकली एपिलेप्सी यानी मिर्गी के पेशेंट्स के लिए है, उन्हें दी जाती थी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने इसको वेट लॉस के लिए प्रमोट करना शुरू कर दिया, एंड इट इज़ नॉट हेल्दी एट ऑल। इसके अंदर बहुत ड्रास्टिक आपको वेट चेंज नज़र आता है कि एकदम से आपका वेट कम हो जाता है और लोग इससे खुश हो जाते हैं कि जी अच्छा ये पता नहीं कितनी हमारे लिए हेल्दी है। बट बेसिकली इसमें आप अपनी बॉडी के साथ इतनी सख्त ज्यादती कर रहे हैं कि उसको जितनी गज़ाइत दरकार है हम उसको वो प्रोवाइड ही नहीं कर रहे हैं। सबसे पहले तो ये याद रखें कि वो लोग जो आपको ये बोलें कि कीटोजेनिक डाइट जो इट्स अ लाइफस्टाइल, नो इट्स नॉट, क्योंकि आपका जो लाइफस्टाइल आपने चेंज करना है वो होना चाहिए जिसको आप इन द लॉन्गर रन अडॉप्ट कर सकें, ना कि ऐसा कि आपने कुछ हफ्ते के लिए उसको अडॉप्ट किया और फिर आप उसे कंटिन्यू नहीं रख सके। जब भी हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं, आपके वेट गोल्स जो हैं वो हमेशा आपने ऐसे एम करने हैं जो कि लॉन्गर रन में आपके साथ चल सकें। जितने भी आपके शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं, आप बहुत जल्दी वेट लूज़ करते हैं और बहुत जल्दी से वापस गेन कर लेते हैं, क्योंकि ये एक फैट डाइट है। फैट डाइट, डिफरेंट फैट डाइट्स होती हैं, जिस तरह कैबेज सूप डाइट होगी, बनाना डाइट होगी, आपका 7 डे डाइट प्लान है, ये सब वो डाइट्स हैं जो फौरी तौर पर आपकी बॉडी से वाटर को कम करती हैं, और क्योंकि आप बॉडी को वो एनर्जी और न्यूट्रिएंट्स नहीं प्रोवाइड कर रहे होते जो कि उसकी रिक्वायरमेंट है, तो आपकी बॉडी अपने ही मसल को कंज्यूम करती है और एज अ रिज़ल्ट आपका मसल लॉस होता है। तो जितना भी आपने वेट रिड्यूस किया है वो बेसिकली आपका मसल का वेट कम हुआ था और आपकी बॉडी से वाटर निकल गया होता है, मगर आपका फैट वहीं पर होता है। और जब आप अपना वापस वेट गेन करते हैं तो यू गेन बैक ऑल द आपका वेट तो वापस आया, लेकिन जो नेक्स्ट टाइम में आपने वेट गेन किया वो प्राइमरली फैट होता है, यानी आपकी बॉडी मज़ीद फैट गेन कर लेती है। तो हमेशा जब भी हम वेट रिडक्शन की बात करते हैं, ऑलवेज गो फॉर अ हेल्दी वेल बैलेंस्ड डाइट अलॉन्ग विद एक्सरसाइज, क्योंकि उसको आप इन द लॉन्गर रन अडॉप्ट करके रख सकते हैं और आप उसको चेंज नहीं कर सकते। वो लोग जो आपको बार बार ये कन्विंस करने की कोशिश करें कि कीटोजेनिक डाइट इज़ द लाइफस्टाइल और आपने इसे चेंज करना, प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि आप अपनी बॉडी को एक उसका जो नेचुरल मेटाबॉलिक पाथवे है आप उससे हटाकर उसको फैट पर शिफ्ट करें। आपकी बॉडी फैट पर चलने के लिए नहीं बनी। हमारी जितनी भी इंटरनेशनल न्यूट्रिशन गाइडलाइंस हैं, कोई भी गाइडलाइंस ये नहीं सजेस्ट करती कि हम 30-35% फैट से ज़्यादा एक्सीड करें। 30% फैट आपकी बॉडी के लिए बहुत होता है, और वो लोग जिन्हें ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़ या डायबिटीज़ का इशू है, उन्हें हम 27% उनकी टोटल डाइट से ज़्यादा फैट कभी भी नहीं देते, और उसमें भी सैचुरेटेड फैट सिर्फ 7% होता है। तो ये इतनी सब ज़्यादती वाली बात है कि लोग इस गलत डाइट को प्रमोट करें और उसके अंदर सैचुरेटेड फैट, यानी आपको कह रहे हैं हम देसी घी का इस्तेमाल करें, आप कोकोनट का जो ऑयल है वो इस्तेमाल करें, क्योंकि वो भी सैचुरेटेड अमाउंट में। प्लीज़ ऐसा बिल्कुल मत कीजिए, कोई भी ऐसी डाइट आपके लिए अच्छी नहीं, और अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन भी इसको रिकमेंड नहीं करती कि आप अपने क्या कहते हैं डायबिटीज़ और इन सब चीज़ों के लिए आप इसमें कीटोजेनिक डाइट जो है इसको अडॉप्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि आपकी बॉडी उस चीज़ के लिए बनी ही नहीं है। फिर इसका एक बहुत बड़ा जो ड्रॉबैक है, क्योंकि आपने अपनी बॉडी को पूरे न्यूट्रिएंट्स और चीज़ें दी नहीं, ज़्यादातर लोग जो कीटोजेनिक डाइट पर चले जाते हैं वो फिर न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पर रिलाई करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि डेफिनेटली आपने बॉडी को जो गज़ाइत खाने से देनी थी वो आपने दी नहीं। एज अ रिज़ल्ट पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होता है और इवेंचुअली हेयर लॉस हो जाता है। आई हैव एक्चुअली सीन गर्ल्स विच आई हैव गॉन बाल्ड, कि लड़कियों का भी जो है वो गंजपन उनमें भी नज़र आना शुरू हो गया, फिर प्री मेच्योर एजिंग होनी शुरू हो जाती है, आपकी बॉडी वक्त से पहले बूढ़ी होनी शुरू हो जाती है, आपको रिंकल्स आने शुरू हो जाते हैं। जब भी आप हेल्दी वे में वेट लूज़ करेंगे कभी भी आपके ऊपर कोई भी एजिंग के इफेक्ट्स आपको नहीं नज़र आएंगे, इनफैक्ट यू विल स्टार्ट लुकिंग यंगर। लेकिन जब आप कीटोजेनिक डाइट से एकदम से वेट रिडक्शन करते हैं तो आपका वेट तो कम हुआ होता है लेकिन आपकी बॉडी एकदम से बूढ़ी लगनी शुरू हो जाती है, आपकी वो जो साइंस होते हैं एक अच्छी स्किन वगैरह के, बालों के, सब वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इट्स रियली वेरी डेंजरस फॉर योर हेल्थ। और फिर इसका बहुत सारे जो इफ़ेक्ट्स हम देखने को मिलते हैं कि वो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है,
क्योंकि आपने सैचुरेटेड फैट दी और जितना सैचुरेटेड फैट जो यानी कि जमने वाला आपके जितने भी चिकनाई है वो आपके हार्ट के लिए अच्छी नहीं, वो आपके लिवर के लिए भी अच्छी नहीं, क्योंकि आपका जो लिवर है वो भी कुछ केसेस में फैटी हो जाता है, यानी उसमें भी चिकनाई बहुत ज़्यादा जमा हो जाती है। और जब बहुत ज़्यादा लिवर में भी चिकनाई आ जाए तो लेटर ऑन लिवर जो है आपका उसके ऊपर स्कारिंग भी हो जाती है कुछ केसेस में। इसके अलावा एक और जो चीज़ बहुत ज़्यादा इसमें हमें देखने को मिलती है कि बिल्कुल फ्रूट्स का आपको इस्तेमाल बंद करना पड़ता है, क्योंकि अगर आपने कोई भी इस दौरान कार्बोहाइड्रेट यानी नशास्ता वाली या नेचुरल शुगर वाली आपने कोई भी चीज़ खा ली तो बहुत सारे लोग जो हैं वो कीटोजेनिक का जो एक जो कीटोन्स फॉर्मेशन का प्रोसेस है उससे बाहर निकल जाते हैं। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक ऐसी डाइट है जो ह्यूमन बॉडी के लिए बनी नहीं, अनलेस और अनटिल किसी पेशेंट को कुछ बहुत सिवियर कंडीशन है, जिसमें एपिलेप्सी के कुछ पेशेंट्स हैं तो उनमें हम ये ज़रूर देते हैं। लेकिन प्लीज़ जब भी आपने कोई डाइट शुरू करनी है ऑलवेज कंसल्ट अ सर्टिफाइड रजिस्टर्ड डाइटिशियन। अगर आप किसी भी एक्स वाई जेड ऐसे लोगों के पास जा रहे हैं जो प्रॉपर स्पेशलाइज्ड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स भी नहीं या प्रॉपर डिग्री होल्डर्स भी नहीं, तो वो डेफिनेटली आपको ऐसी ही कोई उल्टी सीधी डाइट जो रिकमेंड कर देंगे जिससे आपको शॉर्ट टर्म इफेक्ट्स फौरी तौर पर नज़र आएंगे। मगर जैसे ही आप उसको छोड़ते हैं, कीटोजेनिक डाइट वाले लोग जो ये देख रहे होंगे उन्हें भी डेफिनेटली पता होगा कि जैसे ही वो कीटोजेनिक डाइट को स्टॉप करते हैं फौरी तौर पे 5 से 6 किलो वज़न वो वापस गेन करते हैं। लेन जैसे नहीं, वो दरअसल पानी का हो गया वेट। लेकिन ये याद रखें आपने इवेंचुअली पानी भी पीना है, आपने खाना भी खाना है। तो जितनी आपके जिस रीजन में जो चीज़ उगती है आपको वो ज़रूर खानी चाहिए। अभी समर्स हैं, समर्स के जितने भी फ्रूट्स हैं, मैंगोज़ हैं आपको मिल रहे, लीची मिल रही है, प्लम्स हैं, वाटरमेलन है, मेलन है, ये सब फ्रूट्स हैं, ये आपको ज़रूर कंज्यूम करने चाहिए। और ये ड्यूरिंग वेट रिडक्शन आप बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं, इसका कोई नुकसान नहीं। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, वो लोग जो कीटोजेनिक डाइट को इस तरह से प्रमोट कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जी ये डायबिटीज़ वाले पेशेंट लेनी शुरू करें तो इंसुलिन छूट जाएगी, प्लीज़ ऐसा अपने साथ बिल्कुल मत करें। क्योंकि जब आप इंसुलिन को ख़ुद से स्टॉप करते हैं तो ये याद रखें या तो उसके बाद आपकी आँख हॉस्पिटल में खुलती है, अल्लाह माफ़ करे कवर में, वो बिल्कुल भी रिकमेंडेड नहीं है। कि आपने इंसुलिन डिपेंडेंट जो पेशेंट है ये याद रखें ज़िंदगी और मौत का मामला है, उसके लिए बिल्कुल भी सजेस्टेड नहीं कि वो अपने डॉक्टर की एडवाइस के बगैर अपनी इंसुलिन को स्टॉप करे। जितने डायबिटीज़ वाले पेशेंट हैं उनकी स्पेशल डाइट होती है जो कि कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग के साथ प्लान की जाती है, उनके इंसुलिन के यूनिट्स के अकॉर्डिंग उन्हें कार्बोहाइड्रेट्स लेने होते हैं, उनकी बॉडी की नीड है। अगर आप बॉडी को प्रॉपर अमाउंट में प्रोटीन और ये सब चीज़ें नहीं प्रोवाइड करेंगे, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिंस और मिनरल्स, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाएगा जो कि आपके लिए अच्छा नहीं, आपकी नर्व्स भी इफ़ेक्ट होंगी। और जो एक बहुत ज़्यादा इसमें चीज़ देखने को एक और नज़र आती है कि जी हमने फ्रूट्स वगैरह सारी चीज़ें बंद कर दी और हमने लोगों को ये भी रिकमेंड कर दिया कि आप ले लें इंसुलिन भी छोड़ दें, तो उसके इतने लाइफ थ्रेटनिंग इफेक्ट्स जो हैं वो पेशेंट की हेल्थ के ऊपर आने शुरू हो जाते हैं। तो प्लीज़ कभी भी कोई भी डाइट शुरू करने से पहले हमेशा एक सर्टिफाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल को कंसल्ट करें।